ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कजली तीज व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चन्ने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, सिंगार के सामान, बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली तीज माता की पूजा की। हे कजली तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे सबके दिन फेरना। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कथा सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और कथा कहने वाले पे भी सदा आपकी कृपा बनी रहे। तो भक्तगण, ये थी कजली तीज व्रत की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। कजली तीज की जय।